नमस्कार, मैं रिश्मा पॉल आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज के मुख्य समाचार। पट्टीमक्कू रेल लिंक के निर्माण को भूमि अधिग्रहण करने के दिए गए आदेश। नाली बीओपी पर बीएसएफ तथा तस्करों में हुई मुठभेड़, 21 किलोग्राम हेरोइन तथा शूटगन हुई बरामद। आज अमृतसर में अपनी हकी मांगों को लेकर 51 अध्यापकों ने की भूख हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। बीते 70 साल के बाद अमृतसर फिरोजपुर को रेलवे लिंक के साथ जोड़ने के लिए पट्टीमक्कू के बीच 25 किलोमीटर के रास्ते पर रेल पटरी बिछाने की लाइफलाइन का सपना साकार होने लगा है। बीते एक दशक के दौरान तत्कालीन रेल मंत्रियों के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इस रेल लिंक के निर्माण की मांग कई बार रखी गई थी, लेकिन सभी ने आश्वासन ही दिए। इस संबंधी राज्यसभा सांसद श्री श्वेत मलिक ने कहा कि इस रेल लिंक के निर्माण से अमृतसर और फिरोजपुर के बीच 105 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा, साथ ही अमृतसर तथा मुंबई के बीच 240 किलोमीटर का रास्ता कम होगा और इसके लिए तत्कालीन रेल मंत्री पवन बांसल ने राशि भी जारी कर दी है। आज ये एक स्वर्णिम दिन है अमृतसर और पंजाब के लिए कि एक बहुत जो डिलेड प्रोजेक्ट था अमृतसर फिरोजपुर रेलवे लिंक का, सालों से इस पे चिंतन होता रहा, चिंता होती रही, वर्किंग होती रही, पर प्रोजेक्ट धरातल पे नहीं उतरा। तो मैं जब सांसद बना तो मैंने पार्लियामेंट में ये रिक्वेस्ट की थी कि इस ये पंजाब के साथ न्याय नहीं है। पंजाब और अमृतसर वो है जहाँ जिन्होंने कि आतंकवाद की भीषण गर्मी में जो झुलसे, ये वो शहर और अमृतसर और पंजाब वो शहर और स्टेट है जिन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध अपने छाती पे झेले, छाती पे गोलियां खाई, पर उनको न्याय नहीं मिला। कि ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, लिंक है, जिससे एक फ्रेट कॉरिडोर मिलता है अमृतसर से लेके मुंबई तक। एक तो सफर 5 घंटे कम होगा, दूसरा एक ऑल्टरनेटिव रूट मिलेगा जिससे कि 3 स्टेट्स पंजाब, J&K और हिमाचल को राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे आने वाले समय में एक तो व्यापार को और उद्योग को फायदा होगा, दूसरा पैसेंजर ट्रेन ज्यादा चलेंगी, गुड्स ट्रेन ज्यादा चलेंगी, आर्मी की मोबिलिटी के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट मिलेगा। और जहां एक रूट आजादी के बाद जो अमृतसर से ब्यास जलंधर का है, ये दूसरा रूट जो है वो आजादी के बाद अमृतसर को मिलेगा दूसरे देश के साथ कनेक्टिविटी का। तो मैं समझता हूँ कि उस इशू के ऊपर आज रिजल्ट आ गया कि एक तो रेलवे ने उसके लिए बजट सैंक्शन किया, हमारी सरकार ने उसके लिए बजट सैंक्शन किया NDA सरकार ने, दूसरा पंजाब सरकार ने भी डायरेक्शन दे दी है DCs को अपने कि लैंड को अक्वायर किया जाए और ये लैंड अक्वायर करने के बाद इस प्रोजेक्ट को धरातल पे उतारा जाए। सो मैं बहुत आभारी हूँ अमृतसर निवासियों का, पंजाब निवासियों का, अपनी सरकार का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रकाश सिंह बादल जी का, कि जिनके आशीर्वाद से आज ये प्रोजेक्ट धरातल पे उतरा। ऐसा जी कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, टाइम बाउंड तो होगा ही, हमें तो आज ये खुशी मनानी चाहिए कि ये सालों के बाद स्टार्ट हो रहा है। सांझा अध्यापक मोर्चा की तरफ से आज अमृतसर में 51 अध्यापकों के द्वारा एक दिन की भूख हड़ताल का आह्वान किया गया। इस मौके पर अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही उन्होंने मांग की कि सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। दरअसल इन अध्यापकों की मांग है कि वे पिछले काफी लंबे समय से अस्थायी तौर पर कार्य करता है और साथ ही सरकार ने एक न्योता दिया था कि 8 जुलाई को वह उनके साथ बात करेगी, लेकिन सरकार ने अपने दिए हुए समय के चलते भी इस मुलाकात को नहीं किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वह अपने संगत दर्शन अध्यापक वर्ग से करे। गुरदीप सिंह बाजवा जी, अज का जिहड़ा वा सांझा अध्यापक मोर्चे वालों जिहड़ा वा ये एक रोजा जिहड़ी भुख हड़ताल की जा रही है, इहदा मुख मकसद ये आ कि साडी जिहड़ी आ मोहाली विखे एक्शन होया सी, उहदे विच इहनां ने साडे नाल वादा किया 8 जुलाई में ताडा जिहड़ा वा मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दे नाल जिहड़ी आ गलबात करा के जिहड़ियां ताडियां मंगां वा उत्ते विचार की जाएगी। उहदे संबंध दे विच जिस दिन 8 जुलाई आई, साडे जिहड़े सूबे दे कन्वीनर साहिबान ने अते होर जिहड़े लीडर उहनां दे विच जाणे सी, उह जे रस्ते विच ही, ते रस्ते दे विच उहनां नूं फोन आ रिहा वी अज दी ताडी जिहड़ी आ मीटिंग दे विच ताडे सांझे अध्यापक मोर्चे दा कोई नां नहीं हैगा, ते तुसीं बराए मेहरबानी आउण दी घोषणा कीती आ। सो असीं अज दा जिहड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हां उस रोस वजों कि जिहड़ा वा टेबल टाक जिहड़ी करन तों जिहड़ी सरकार भज रही आ, साडियां किहड़ियां मंगां ने, मामूली मंगां ने, भी जिहड़ा इहनां ने आपे ही गल कीती सी भी 3 साल बाद जिहड़े आ अध्यापक जिहड़े इहनां ठेके दे रखे आ उह पक्के कर दित्ते जाणगे, पर अज तक उह सड़कां ते रुल रहे आ, कोई धरने ला रहा, मुजाहरे कर रहा वा, पर इहनां दी तस तों मस नहीं हो रहा,
ਇਹ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਛੇਵਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 51 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆ 13 ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 13 ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਝੇਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ 13 ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੇ DA ਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਸਥਿਤ ਨਾਰਲੀ BOP ਪਰ BSF ਤਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਹੋਈ ਮੁਠਭੇੜ ਮੇਂ BSF ਨੇ 21 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਮੇਟ ਸ਼ੂਟਗਨ ਤਥਾ ਉਸਕੇ 3 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਏ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ BSF ਕੇ ਹਾਥ ਯੇ ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਲਗੀ ਹੈ। ਵਹੀਂ BSF ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਓਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇ ਲੀਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਪਰ BSF ਕੇ ਜਵਾਨੋਂ ਕੋ ਮੁਸਤੈਦ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਥਾ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤਸਕਰੀ ਔਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। 12 ਵ 13 ਜੁਲਾਈ ਕੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ BSF ਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕਟਰ ਮੇਂ BOP ਨਾਰਲੀ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਰਾਤ ਕੇ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 3:20 PM ਪਰ ਸਮਗਲਰਸ ਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਥਾ। BSF ਟਰੂਪਸ ਅਲਰਟ ਥੇ, BSF ਟਰੂਪਸ ਦੁਆਰਾ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੇ ਸਮਗਲਰਸ ਦੁਆਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀ ਗਈ, BSF ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀ ਗਈ, ਔਰ ਵੋ ਇਲਾਕਾ ਕਾਫੀ ਜੰਗਲ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਜਬ ਸਰਚ ਕੀ ਗਈ ਤੋ 21 ਪੈਕੇਟ ਹੀਰੋਇਨ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 21 ਕਿਲੋ ਹੋਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟਗਨ ਔਰ 3 ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੁਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਯੇ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਮੇਂ ਹੀਰੋਇਨ ਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਪਲਬਧੀ BSF ਕੇ ਲੀਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਤੱਕ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਥਾ, ਯੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਆਗੇ ਕੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਸਭੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡਰ ਪੇ ਹਮਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭੀ ਚਾਰੋਂ ਸੈਕਟਰਸ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡਰ ਪੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਭੀ ਵਰਤਮਾਨ ਮੇਂ ਉਨਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਉਨਸੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਮੇਂ ਦੋ ਕੀ ਜੋ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਕਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਜੋ ਹੈ 16-17 ਸਾਲ ਕੇ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹਮਾਰਾ ਡੇ ਔਰ ਨਾਈਟ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਉਸ ਪੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਯੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮ ਰੱਖ। ਦੇਖੀਏ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡਰ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੈਸਾ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਟੈਰੇਨ ਕੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਪਾਸ ਮੇਂ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸਮਗਲਿੰਗ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸਜਗ ਰਹਤੇ। 2017 ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਕੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਘਰ ਘਰ ਜਾਕਰ ਲੋਗੋਂ ਕੋ
साथ जोड़ने का काम कर रही है। जिस संबंधी इलाका पश्चिमी में आज SC/ST कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार वेरका की अध्यक्षता में एक रैली की गई, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेसी वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कांग्रेस के नेता सरदार शमशेर सिंह धूलो ने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत से जीत हासिल करेगी। आम आदमी पार्टी पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल धोखेबाज हैं, उन्होंने अन्ना हजारे को भी धोखा दिया था और अब वह पंजाब को धोखा दे रहे हैं। इस मौके पर अश्विनी सेठ जी विशेष तौर पर उपस्थित हुए। लोगों जागरूक करना, ये सरकार दे जड़ियां कुरीतियां ने, गुनाह ने, जो लाल आर्डर की सिचुएशन इंडस्ट्री लेबर दलितों की जो समस्या, व्यापारी एम्पलाइज दे जो कुछ पंजाब वापर रहा है सारे वर्गों के नाल, उहदे बारे असीं लोगों नूं लामबंद कर रहे हैं और लोगों के विच जा रहे हैं ताकि लीडर और वर्कर का कोई पाड़ा ना रहे, वो नज़दीकियाँ बदन, दूरियाँ ना बदन। इस सिलसिले असं चले। केजरीवाल एक मैं समझदा ड्रामेबाज बंदा है और जिन्हें उन्होंने पालिया अन्ना हजारे वो आप उन्होंने कह रहा भी ये धोखेबाज बंदा है, ये लोगों को गुमराह करता है। और केजरीवाल ये 84 की अज याद आई है, सिर्फ पंजाब के इलैक्शन पंजाब के पानिया की गल वो कर रहे हैं, वो तो चुप है। पहला बयान पंजाब कुछ दिता, दिल्ली जाके कुछ किया, और मैं समझता दिल्ली जो पूरी बुरी तरह फेल हो चुके हैं और लोग ड्रामेबाजी अज पछताते हैं दिल्ली के लोग। और ये ऑर्गेनाइज पार्टी है, कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, एक रिजेंटमेंट की वोट सी लोगों वो साढ़े खिलाफ भी तो BJP अकाली दल भी, वो समा लंघ गया। पंजाब के जोड़े लोग ने बड़े सूझमान ने और समझते ने, बजाय गाने लिखण से अकाली दल ये नशियां नूं बंद करा दे, जोड़े एक नैक्सस है जोड़े नशे बिकते हैं उन्होंने बैक पोलीटिकल बैक है, सरकारी बैक है, अफसर समगलर तो पॉलिटिशियन का लिंक है। जे सरकार चाहे जिमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सरकार आने महीने च नशे बंद कर दूंगा, ये तो देखो SGPC जोड़ा है ये तो सारा इतों ही चलता, एक दिखावा है। ये तो लोगों समझना चाहिए कि बादल की है, अकाली दल की है, लोग समझ, लोग उठन और सिख साइकी उठे, खास तौर पर जोड़े गुरु नानक देव मनते नहीं उन्होंने चाहिए। ये पंथ वाले ला रहे चुनाव, ये पंथ में ना खतरा अंग्रेजा वेले हो ना हूँ, तो राज कांग्रेस की रही है, पिछे डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया, सिखा का जोड़ा इंट्रस्ट है वह कांग्रेस आवाज करती है सारे धर्मों का। कांग्रेस पार्टी पूरे पंजाब 2017 के मिशन लैके ये फतेह मिशन का नाँ दे के अज पूरे पंजाब भर के कांग्रेस पार्टी सड़कों से उतरी हुई है। कांग्रेस पार्टी ये गुंगी बैरी सरकार तो लोगों को आजाद दवाना चाहती है। ये सरकार जड़े लोग इतने दुखी है, किसान खुदकुशियां कर रहे, नौजवान परेशान बैठे है, दुकानदार कारखाने सब बंद पे है, और ये कांग्रेस पार्टी लोगों के हित दे विच लोगों की रक्षा करने वास्ते और व्यापार वास्ते नौजवानों नौकरियों वास्ते सड़कों से उतरी है। 2017 फतेह करदे ही पंजाब खुशहाली आएगी, पंजाब रौनक आएगी। ये 2017 फतेह करने वास्ते अज वैस्ट हल्के की यह रैली सी कांग्रेस पार्टी के वर्करां दी, और कांग्रेस पार्टी के वर्करां का मैं धन्नवाद करदा। और ये तुसीं देखिया लोगों के विच जिन्ना जोश है, इस तो साफ पता लगता है कि लोग 2017 च कांग्रेस पार्टी दी सरकार लैना चाहते। 117 हल्के च रैलियां कर रहे हैं और भी एक कड़ी थी, और असीं वर्कर नूं जागरण कर रहे हैं और वर्कर का बहुत उत्साह है। डॉक्टर राजकुमार की रहनमाई थले बैठती है रैली हुई, शमशेर सिंह धूलो जी इत्थे चीफ गैसट के तौर पर, अश्विनी सीकरी जी आए हैं, मैं उन्होंने भी धन्यवाद करता हूँ। आज देखिए लोगों में बहुत उत्साह है, आने वाले समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। पंजाब में पर्यावरण की समस्या को खत्म करने के लिए अब जिला प्रशासन तथा समाज सेवी संस्थाएं मिलकर आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में आज समाज सेवी संस्था तथा अमृतसर प्रशासन के द्वारा पौधे लगाने की मुहिम की शुरुआत की गई, जिसके तहत पूरे जिले में 21 जुलाई तक 50
1000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके चलते आज अमृतसर की अलग अलग जगहों पर पौधे लगाए गए। इस मौके पर विशेष मीटिंग भी की गई, जिसके तहत अमृतसर के किन किन इलाकों में पौधे लगाने की जरूरत है उस जगह को भी बताया गया। जिला रेड क्रॉस ते वख-वख एनजीओ दी सहायता दे नाल जिहड़ा 1 जुलाई तो 21 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है, उस संबंध विच असीं अज प्लांटेशन की शुरुआत की गई है। जिवें कि सारे ही आपां जानदे हां कि जिहड़े साडे पौधे ने साडे जीवन का अहम अंग ने, जो साडे वास्ते बड़ी इंपोर्टेंस रखते हैं, तो वख-वख जिहड़ियां एनजीओज ने वह भी इहदे संबंध में बहुत फिक्रमंद ने। असीं इहदे च ऐतकी जिहड़ा जुलाई का महीना वा इहदे विच 50,000 का टारगेट रखिया वा कि वख-वख एनजीओज ने अज्ज असीं मीटिंग भी की आ, इन्हों असीं दस्या कि तुसीं अपना एरिया सानू दस दो भी कि वर्क करना वा। असीं इन्हों इतों रैड क्रॉस के 50,000 जिहड़े बूटे अं सप्लाई करांगे। इस तो अलावा ट्री गार्ड्स भी साढ़े को कोई है कंपनी वाले जिहड़े सानू ट्री गार्ड भी दे रहे हैं, असीं वो ट्री गार्ड्स भी इन्हों देवांगे जिते जिते लाउण की जरूरत उत्थे लगा के, तो जिहड़े बूटे असीं आ लाउणे भी आ ते बूटियां नू बचाउणा भी आ। एनजीओज नू असीं खास तौर पर कहा है कि जिहड़ी जगह पर भी लाउंदे जी तुसीं बूटे, आपां कोशिश करिए कि वो बूटियां नू आपां बचाउणा भी आ पालना वा। जे मान लो एक स्कूल चला रहे हैं तो अं बच्चों को अलॉट कर दिए कि बूटे तुहाडे ने, तो वो बच्चे जिहड़े वह चाह दे नाल अपने बच्चों वांगू जां अपने साथियों वांगू उन्हां नू पालन, तो उन्होंने वड्डिया कर। इस तरह जे अं किसी कलोनी च लगावांगे तो जिहड़ी भी कलोनी की कोई सोसायटी आ जां उत्थों दे रहण वाले नागरिक ने, उन्हां नू असीं ये प्रेरित करांगे कि ये बूटियां नू तुसीं अपने बच्चे समझ के बच्चों वांगू इन्हां नू पालो, क्योंकि जिहड़े बूटे लगाइए उन्हां नू पालिए तां ही सानू फायदा। तो मैं अपने शहर वासियों नू भी ये अपील करांगा कि आपां अपने शहर नू ग्रीन ते क्लीन बनाउणा वा। बड़ी पवित्र नगरी अमृतसर दी अपनी, इहदे विच तुसीं वध चढ़ के हिस्सा लो। जिहदे भी घर दे विच इक जे बूटा लगन दी भी जगह हैगी आ ते उह इक ही बूटा लगावे, जे उहदे च 10 बूटे लगन दी जगह ते 10 बूटे लगवाउण। हर एक जिहड़ा वा घर वाले जे उहदा छोटा घर है शहर दे विच, उह भावें अपने छत दे उपर लगावे पर 1-2-4 बूटे जरूर लगाउण, ता कि उहने वातावरण साफ करना ते उसे वातावरण दे विच असीं रहिणा वा ते उह ची साल। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पट्टी मक्कू रेल लिंक के निर्माण को भूमि अधिग्रहण करने के दिए गए आदेश। नाली बीओपी पर बीएसएफ तथा तस्करों में हुई मुठभेड़, 21 किलोग्राम हेरोइन तथा शूटगन हुई बरामद। आज अमृतसर में अपनी हकी मांगों को लेकर 51 अध्यापकों ने की भूख हड़ताल। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं, कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त।